हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडर्ड ऑफर। क्रॉस ऑफर इन द योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। किसी भी प्रोडक्ट को आप जब कोई भी पार्टी सेल करती है तो ऑफर्स कार्य करने की इच्छा को व्यक्त करती है, सेकेंड पार्टी उसे एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन जब वो सेकेंड पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उस पर अपना कोई एक और प्रपोजल रख देता, ऑफर कर देता, तो दोनों ऑफर क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं। जैसे मिस्टर ए ने हॉर्स रेस करने के लिए अपने सेल का प्रोसेस रखा, ये मिस्टर ए हो गए और ये क्या हो गए? मिस्टर बी। ये अपने घोड़े को बेचने के लिए एक इनके सामने ऑफर रखी, लेकिन सेकंड ने ये ऑफर रखा कि हम कितने में खरीदेंगे, बेचना चाहते हैं सेल ऑफ द पोजीशन 1 लाख। बट मिस्टर बी इन द क्रॉस ऑफर इन द परचेज ऑफ 90,000, हम 1 लाख में नहीं 90,000 पे खरीदेंगे। अब ये 1 लाख में बेचना चाहते हैं और दूसरा 90,000, दोनों लोगों में कोई एक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो ऐसे ऑफर को हम क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर कहेंगे। क्रॉस ऑफर का पोजीशन आप देख सकते हैं, क्रॉस ऑफर दिया गया है बाय टू पार्टीज, ईच ऑफर इग्नोरेंस ईच अदर एंड कॉल्स। हम जो बात कहेंगे अगली पार्टी उसे इग्नोर करके अपनी बात कहेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। अमाउंट टू एक्सेप्टेड बाय ऑफर, क्योंकि जो अमाउंट आप रिप्रेजेंट किए हुए हैं, सेकेंड पार्टी उस पर अपनी दूसरी अमाउंट रिप्रेजेंट, क्योंकि आप क्रॉस ऑफर का दूसरा कंडीशन काउंटर ऑफर भी आता है। तो आप देख लीजिए, काउंटर ऑफर जब कोई भी पार्टी काउंटर पे अपनी सेल प्रोडक्ट रखती है जिसके नीचे वो अपना प्राइस लिखी होती है, लेकिन आप काउंटर पे पहुंचने पे बार्गेन करते हैं, अब आर्गुमेंट करते हैं कि ये दिस इज प्रोडक्ट इन 10,000, बट नॉट परचेजिंग 10,000 टू गिव मी इन दी 10,000, हम आपको 10,000 रुपए नहीं देंगे, हम आपको 9,000 देना चाहते हैं। पार्टी से बार्गेन होती है 9,500 पर डन होती है। तो जिस जो ऑफर 9,500 हुआ, तो उसे काउंटर ऑफ द पोजीशन में आप क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। नेक्स्ट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड ऑफर। स्टैंडर्ड ऑफर नाम से ही आप जानते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन कंटिन्यू प्रोसेस में है, सेल व परचेज में यह पूरी तरह से लागू होती है। स्टैंडिंग ऑफर कंटिन्यू ऑफर ओपन सम टाइम एक्सेप्टेंस नॉर्मली नेचुरल टेंडर बट नॉट दी नेसेसरी। नॉर्मली नेचुरल टेंडर होती है। अब ये स्टैंडिंग सेल परचेज के लिए एडवर्टीजमेंट फॉर परचेज और सेल इन द स्टैंडर्ड ऑफर्स, हमेशा कंपनियां अमेजन 50% सेल, 1 लाख प्रोडक्ट 60,000 ऑफ द प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। ये ऐसे ही कंपनियां अपनी स्टैंडर्ड आपको ऑफर्स निकालती हैं कंपनियों के द्वारा जो अपने एडवर्टीजमेंट में सेल व परचेज करते हैं। आज आपने पूरी वीडियो आपने क्रॉस काउंटर और स्टैंडर्ड ऑफर को देखा। स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉम ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।